ठीक है, हम कर रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस, उसके लिए बनते हैं पेडिग्री चार्ट्स। पेडिग्री चार्ट्स में क्या होता है कि हमने अगर हम किसी को डोनेट करना है कि वो हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, फर्दर क्या पॉसिबल उनके कॉम्बिनेशंस होंगे, तो ये सब जो है लिखना ये ट्रबल सम है, एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि कुछ साइंस एंड सिंबल्स बनाए हैं। जैसे कि हम इसमें एक स्क्वेयर बनाते हैं, स्क्वेयर का मतलब है अ मेल मीन्स फादर, सर्कल है मीन्स अ फीमेल और द मदर। अब अगर हम स्क्वेयर और सर्कल को इस तरह से एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब उनकी मैरिज शो कर रहे हैं हम, ठीक है। उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो हम एक वर्टिकल लाइन को आगे इस तरह से डिवाइड करके शो करेंगे। जैसे सपोज कर लो ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, ठीक है, इन दोनों की ये मैरिज दिखाई गई है, ठीक है, और ये इनके बच्चे क्या हुए हैं, जैसे इनके ये दो जो हैं फीमेल और एक जो है मेल हुआ है इनके, तो इस तरह से हम इनके ऑफस्प्रिंग्स को शो करते हैं। तो इस तरह से पूरी इनहेरिटेंस को, किसी भी करेक्टर की इनहेरिटेंस को इस तरह से चार्ट्स और सिंबल्स की फॉर्म में शो करना इस पेडिग्री एनालिसिस। अब अगर ये जो मेल है इसको मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ तो इसका मतलब इसके अंदर वो करेक्टर नहीं है जिसकी पेडिग्री की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं इस स्क्वेयर को यू डार्कन कर देती हूँ, अंदर से कलर कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो करेक्टर शो हो रहा है। करेक्टर कौन सा, कोई भी ले लो। सपोज कर लो मैं, हमने जैसे कल किया था रोलिंग ऑफ टंग, कि टंग को हम बाहर से निकालते हैं और रोल कर लेते हैं, टिया नहीं कर पाई थी इस चीज को, है ना, टिया हो गया था बाद में या नहीं? नहीं हुआ ना। तो आपके अंदर वो जीन नहीं है रोलिंग ऑफ टंग, ठीक है, आपके अंदर वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर ये करेक्टर है जो हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको डार्कन कर देंगे, और अगर ये करेक्टर नहीं है तो इस तरह से ये ब्लैंक रहेगा। ऐसे ही ऑफस्प्रिंग्स में भी हमने अगर ये शो करना है तो जिसके अंदर कलरिंग की होगी इसका मतलब उसके अंदर करेक्टर है, जिसके अंदर कलरिंग नहीं की होगी उसके अंदर करेक्टर नहीं है। इतनी बात अब समझ आई या नहीं आई पहले मुझे ये बताओ, क्या ये बातें क्लियर हैं अब तक जो मैंने बताई सभी? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? यस मैम। दिस इज, यस मैम, दैट्स गुड। दिस इज पेडिग्री, ठीक है। अब अगर हम देखें कि पेडिग्री ना करकर हम मेंडल के तरीके से करते हैं, मेंडल ने कैसे किया था, मेंडल डायरेक्टली चार्ट बनाते थे। मेंडल के बारे में अगर हम बात करें तो मेंडल के बारे में हमने बताया था, मेंडल बिलोंग्स टू अ पीजेंट फैमिली, जो खुद जो है छोटा मोटा जो है फार्मिंग वगैरह कर अपनी जो है डेली ब्रेड जो है वो अर्न करते थे। बाद में जाकर जो है उनका मन था तो वो क्या बन गए थे, एबट। एबट मीन्स जो फादर होते हैं मोनेस्ट्री के फादर हैं, उनको एबट बोलते हैं। उन्होंने फादर की तरह काम किया और उनकी मोनेस्ट्री में एक गार्डन था जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। गार्डन में भी स्पेशली किस में इंटरेस्टेड थे, पी प्लांट में, गार्डन पी में, हरे मटर जो आप वेजिटेबल बनाकर खाते हैं उनमें उनको बहुत इंटरेस्ट आया, उनको देखकर गार्डन में लगे हुए। तो मेंडल ने उनके बारे में जो है वो स्टडी किया, ठीक है। स्टडी कैसे किया, उन्होंने उसको स्टडी किया 7 करेक्टर्स को, मेंडल ने 7 करेक्टर्स को स्टडी किया, किसके, गार्डन पी प्लांट को। पहला करेक्टर जो हाइट, उन्होंने देखा कि जो पी प्लांट है उसमें दो तरह की हाइट है, या तो वो टॉल हैं या वो ड्वार्फ हैं, यानी कि या तो लंबे प्लांट्स थे या फिर छोटे प्लांट्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करके देखा, उन्होंने क्रॉस कराया, उन्होंने क्या करा, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स ले लिए जो कि टॉल था, उसको क्रॉस कराया फीमेल प्लांट से, यानी कि किसके स्टिग्मा पर गिलाया, जो कि एक ड्वार्फ प्लांट थी। टॉल फादर और ड्वार्फ प्लांट जो है वो मदर की तरह एक्ट कर रहे थे। अब दोनों को क्रॉस कराकर जो ऑफस्प्रिंग बने वो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, वो इन दोनों में से कोई एक करेक्टर, इन दोनों में से कोई एक करेक्टर करके बनेंगे। ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन जो है वो मियोसिस से बनते हैं, मतलब मियोसिस में क्या होगा, एक वाला एलील एक गैमीट में चला जाएगा
और दूसरे वाला एलील दूसरे गैमेट में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, ये एलील एक गैमेट में, ये एलील एक एग में, ये एलील दूसरे एग में जाएगा। मतलब ये जो टॉल फादर थे, इनके पास जो स्पर्म्स हैं वो क्या होंगे, एक कैपिटल टी वाले। वैसे ही जो ड्वार्फ मदर है, ये दो तरह के ही गैमेट्स बनाएगी, दो ही गैमेट्स बनेंगे, ये स्मॉल टी एक जैसे। तो अब कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इनका, या तो ये कैपिटल टी फादर का वाला, ये वाला स्पर्म इस एग से फ्यूज करे तो प्लांट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये वाला टी इस वाले टी से करे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से ये वाला टी अगर ये वाले टी से करे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला टी अगर ये वाले टी से करे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी केसेस में रिजल्ट में जो F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन आएगी, जिसको फर्स्ट फिलियल भी बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल मतलब फर्स्ट जनरेशन, जब दो पेरेंट्स को मिलाकर जो फर्स्ट जनरेशन बनी, अगले बच्चे बने, वो सभी क्या थे, अंदर से दिखने में यानी कि उनका जीनोटाइप क्या बना था, टी प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि वो क्या थे, हेटेरोज़ाइगस। ठीक है, अब बाहर से दिखने में इनका फिनोटाइप यानी कि क्या बना, सभी के सभी F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे वो क्या बने, टॉल। बाहर से दिखने में सभी टॉल थे, लेकिन अंदर से अगर उनके जीन्स देखे गए तो क्या थे, वो हेटेरोज़ाइगस, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था उनके अंदर। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वानी, श्रिया, यस मैम, या गुरनूर, जिया, सबको क्लियर है ये? यस मैम। मेंडल जो है वो यहाँ तक नहीं रुके, मेंडल ने ये रिसर्च और आगे बढ़ाई। उन्होंने क्या करा, जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग थे पी प्लांट के जो बने थे, उनको उन्होंने क्रॉस कराया आपस में ही। मतलब एक जो एफ जनरेशन का एक बेबी था, बेबी प्लांट था, उसको दूसरे अपने ही बेबी प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। मतलब जो पॉलन ग्रेन्स थे वो एक प्लांट के सेम उसी के ही, और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर उनको डाल दिया गया, फर्टिलाइजेशन हुई। अब रिजल्टेंट क्या बना, अब जब उसने देखा तो रिजल्टेंट में क्या आए, तीन जो प्लांट्स बने वो टॉल बने, और उनमें एक जो प्लांट था वो क्या बना, ड्वार्फ बना। तीन टॉल थे, एक ड्वार्फ था। ये ड्वार्फ कहाँ से आया, ये अब उन्होंने ढूंढा। उन्होंने कहा कि ड्वार्फ कहाँ से आया, ये जो बना सेकंड जनरेशन बनी उस पी प्लांट की, सेकंड जनरेशन में जो बेबी प्लांट्स थे उनमें एक ड्वार्फ, एक छोटी हाइट का प्लांट कहाँ से आया, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स थे दोनों क्या थे, ये दोनों थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, जो बाहर से दिखने में मेंडल को कैसे लग रहे थे, टॉल, बाहर से दिखने में टॉल ही थे वो। तो दो टॉल पेरेंट्स में से एक बच्चा जो है बेबी प्लांट जो था वो ड्वार्फ, छोटी हाइट वाला कैसे आ गया, इसका मतलब कोई चीज ऐसी थी जो इन्होंने इनहेरिट की, कहाँ से, अपने पेरेंट्स से। ये जो मदर थी इसके पास स्मॉल टी था ना, इसका मतलब मदर से एक स्मॉल टी लिया तो ही जो F1 जनरेशन के बेबी थे इनके पास एक स्मॉल टी आया, और यही स्मॉल टी इन्होंने इनहेरिट कर दिया अपनी अगली जनरेशन में, कहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर एक ड्वार्फ बना। ये कैसे बना कि अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या गैमेट्स बनाएंगे, एक गैमेट कैपिटल टी बनेगा और आधे गैमेट्स होंगे स्मॉल टी जैसे होंगे। ये मदर के भी आधे जो है गैमेट्स कैपिटल टी वाले और आधे गैमेट्स या आधे एग स्मॉल टी वाले होंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चार तरह के गैमेट्स जो है वो आपस में कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। क्या देखते हैं कॉम्बिनेशन, ये वाले टी ने अगर ये वाले टी से कॉम्बिनेशन बनाया तो कैपिटल टी यानी कि ये प्लांट कैसा बना, टॉल। ठीक है, अगर ये वाले टी ने इस वाले टी से कंबाइन कर लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, बाहर से दिखने में क्या बना, ये भी टॉल बना। ये वाला स्मॉल टी ने अगर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन या ड्यूरिंग जायगोट फॉर्मेशन सॉरी, अगर इस टी ने इस टी के साथ कंबाइन किया तो भी प्लांट क्या बना, टॉल, और अगर इस टी ने इस टी के साथ कंबाइन किया तो ये दोनों स्मॉल यानी कि ये एक ड्वार्फ आ गया।
चार में से तीन, उन्होंने चार नहीं, उन्होंने तो बहुत सारे देखे थे, तो उन्होंने उसमें से रेशो निकाली कि हर चार को अगर हम देखें F2 जनरेशन में, तो उनमें से तीन टॉल और एक क्या था ड्वार्फ। तो टॉल रेशो ड्वार्फ उन्होंने क्या निकाली, उन्होंने टॉल रेशो ड्वार्फ निकाली 3:1। क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। यस मैम जी, कुछ बात समझ में आ रही है? यस मैम। हां जी मैम। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये चीजें देखी, अभी अभी उन्होंने प्रूफ कुछ भी नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले उन्होंने एक टॉल पी प्लांट एक ड्वार्फ पी प्लांट को मिलाया और देखा उनके सारे ही F1 जनरेशन के बच्चे टॉल हैं। F1 वाले दो बच्चों को उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया, उनकी ब्रीडिंग कराई, रिप्रोडक्शन हुई, तो उसको रिजल्ट कुछ नया ही मिल गया। क्या मिल गया? तीन टॉल एक ड्वार्फ। अगर पहले वाला ही पैटर्न होता F1 जनरेशन वाला, तो उसको सारे टॉल मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने कहा ये क्या हुआ, एक टॉल और एक ड्वार्फ आया। ठीक है, तो ये जो रेशो आई टॉल और ड्वार्फ की, ये रेशो कौन सी है? फीनोटिपिक रेशो। फीनोटाइप मैंने आपको क्या बताया था? बाहर से दिखने वाला करेक्टर, यानी कि वो प्लांट्स जो है बाहर से दिखने में चार में से तीन टॉल थे और एक ड्वार्फ था, लेकिन अगर हम इनकी जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटाइप देखते, तो जीनोटाइप में क्या आया? जो एक जो प्योर टॉल था, यानी कि जिसके अंदर दोनों ही टॉल वाले ही एलील से, ऐसे कितने प्लांट थे? एक। ठीक है, जो हेटेरोजाइगस टॉल थे, हेटेरोजाइगस टॉल मतलब जिसके अंदर एक टॉलनेस वाला और एक ड्वार्फनेस वाला था, ऐसे कितने थे? दो। और होमोजाइगस या प्योर ड्वार्फ कितने थे? एक, कैप स्मॉल टी वाला एक। तो जीनोटिपिक रेशो यानी कि अंदर से जीन्स कैसे थे, एक के पास प्योर टॉल वाले जीन्स थे, एक के पास हेटेरोज, दो के पास हेटेरोजाइगस थे और एक के पास प्योर ड्वार्फ वाले थे, ये उनके पास आई जीनोटिपिक रेशो। बाहर से दिखने, हाँ जी मैम, इसका कुछ रूल वगैरह है कि किस कैसे मतलब रेशियो लिखना है, कि पहले प्योर टॉल लेना है उसके बाद प्योर ड्वार्फ नहीं ले सकते? कोई पैटर्न नहीं है आप, क्योंकि टॉलनेस को हम डोमिनेट मान रहे हैं करेक्टर, तो इसीलिए टॉलनेस वाले को आप पहले लिखो तो गुड है, पर इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट, क्योंकि टॉलनेस वाला करेक्टर डोमिनेट है और ड्वार्फनेस वाला रिसेसिव है, जो अपने आप को अकेले शो नहीं कर पाता, अकेला स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पाता, यानी कि वो प्लांट को ड्वार्फ नहीं बना पाता। प्लांट को ड्वार्फ कौन बनाएंगे? जब दो टी मिलेंगे, तो क्योंकि ये रिसेसिव है, डोमिनेट नहीं कर रहा, इसीलिए इसको हम लास्ट में लिखते हैं। इसमें डोमिनेट और रिसेसिव दोनों है तो हम मिडल में लिख देते हैं, और ये प्योर टॉल है तो इसको हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, बट इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल सेट नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब ये तो बात हुई गार्डन पी की जो मेंडल ने करी, इसके अलावा होती है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बाकी के जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो इनहेरिटेंस चलती है वो अलग है, वो सोमैटिक इनहेरिटेंस होती है। जो हमने पढ़े 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे जनरल बॉडी के होते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था? ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर होता है XX या XY, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। तो एलोसोम के अंदर जो इनहेरिटेंस चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जो सिर्फ हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए कैरेक्टर्स हैं और हम अपनी अगली जनरेशन को वो देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था सबसे छोटा क्रोमोसोम है हमारे 46 में से, और क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। तो वाई क्रोमोसोम पर कोई भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता, क्योंकि इसके पास सिर्फ 231 जीन्स हैं, और उसमें से भी अगर हम डिजीजेस की बात करें तो तीन ही ऐसी डिजीजेज हैं जो वाई क्रोमोसोम की वजह से हो सकती हैं, और वो भी सिर्फ किसमें होंगी? मेल्स के अंदर होंगी। तो अगर कोई फादर अपनी कोई भी डिजीज है, वो अपने किसी बच्चे को इनहेरिट कर रहा है, दे रहा है कोई भी डिजीज है, तो वो डिजीज उसके एक्स क्रोमोसोम पर लगी हुई होगी,
और इस तरह की डिजीज, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्लियर है, आया समझ कुछ? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? एक्स क्रोमोसोम पर लगी हुई कोई भी करेक्टर। कौन से करेक्टर्स सबसे ज्यादा जो स्टडी किए जाते हैं वो है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। रेड और ग्रीन में डिफरेंस जो नहीं कर पाते, कलर ब्लाइंडनेस वो डिजीज होती है। और हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। अगर चोट लग जाए तो वो ब्लीडिंग हमेशा के लिए होती ही रहती है उस पर्सन को। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमने सर्कुलेशन में किया था, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने वाला जीन्स जो है इनमें डिफेक्टिव होता है। तो ये वाला जो करेक्टर है हीमोफीलिया डिजीज वाला, ये किस पर लगा होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम किसी का भी, चाहे वो फीमेल का है चाहे वो मेल का है, किसी पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें, इस बात में फीमेल्स एक फायदे में रह जाती है कि अगर कोई करेक्टर जो है, जैसे हीमोफीलिया का ही करेक्टर है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट का मतलब कि जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा, ठीक है, ये रिसेसिव फॉर्म में होगा तो ये अपनी डिजीज नहीं दिखा सकता। ये डोमिनेंट करेक्टर नहीं है हीमोफीलिया वाला। अगर दो होंगे ट्रेट एक ही जीन के अंदर, ये एक जीन है, इसमें एक हीमोफीलिया करने वाला है और एक हीमोफीलिया नहीं करने वाला एलील है, तो जो हीमोफीलिया करने वाला एलील है वो रिसेसिव होगा और जो हीमोफीलिया नहीं करता वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो एक्स एक्स फीमेल के पास क्रोमोसोम होते हैं और एक्स वाई मेल के पास क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्या है? सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव है तो इसको हम स्मॉल एक्स से लिखेंगे और सेकंड वाले फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर शो करेंगे। जब हमने इसको लिखना है तो हम इसको, फीमेल को हम एक्स एक्स लिखते हैं तो फर्स्ट वाले एक्स पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ये क्या है? रिसेसिव है। तो रिसेसिव को हमेशा ही बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर कोई फीमेल है और उसके सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया वाला जीन लगा हुआ है, वो वाला ट्रेट लगा हुआ है कि हीमोफीलिया हो, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो, एक ही एक्स क्रोमोसोम पर है, तो ये फीमेल को एक बेनिफिट देगा। इस फीमेल को हीमोफीलिया डिजीज नहीं होगी, इसे हीमोफीलिया नहीं होगा। इसे इंस्टेड ऑफ हीमोफीलिया हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे करियर वुमन। ये हीमोफीलिया डिजीज को अपने अंदर कैरी करके बैठी है लेकिन इसको डिजीज नहीं है, और ये कैरी की हुई डिजीज ये आगे अपने बच्चों को दे सकती है, इसको खुद को कुछ नहीं होगा। ये वुमेन कब बीमार होगी, इसको हीमोफीलिया कब होगा? जब इसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पर हीमोफीलिया वाला ट्रेट लगा हुआ होगा, क्योंकि जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो हमेशा ही होमोजाइगस फॉर्म में ही अपना करेक्टर इंसानों में शो करता है, फिनोटाइप में आता है, यानी कि ट्रेट्स में आपके शो होता है। एक अकेला एच डिजीज नहीं कर सकता, दो स्मॉल एच चाहिए, यानी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर अगर एक एक एच लगा हुआ होगा तो ये वुमन क्या कहलाएगी? हीमोफिलिक। आपको पता है क्वीन जो है, एलिजाबेथ जो है, उनकी पूरी फैमिली के अंदर हीमोफीलिया डिजीज चलती है। उनके मेल्स कोई डिजीज होती है, फीमेल्स कैरियर होती हैं, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है और उनके एक ही एक्स क्रोमोसोम पर लगा हुआ है। और अगर मेल के एक, मेल के पास तो होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है, तो हीमोफीलिया वाला ट्रेट किस पर होगा? सिर्फ एक्स वाले पे। तो अब क्या ये मेल डिजीज होगा या करियर होगा, क्या होगा? रेज योर हैंड्स, सीधा आंसर नहीं बताना है, रेज योर हैंड्स। यस, पहले कौन बताएगा? चलो पहले वानी बताएगी हमें। यस वानी। मैम डिजीज्ड, डिजीज्ड। जिया, जिया। मैम डिजीज्ड, डिजीज्ड होगा।
क्यों डिजीज होगा? क्योंकि उस बेचारे के पास है ही एक ही एक्स क्रोमोसोम है। हाँ जी गुरनूर, अब तो मैंने आंसर दे ही दिया। डिजीज होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही